अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके साथ में पिज्जा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी मजेदार बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है, और किस तरीके से बनाते हैं चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने अब ले लिया है सॉस, एक बड़ा चम्मच सॉस ले लिया है, और फिर उसके बाद में मैं उसमें ऐड करूंगी शेजवान चटनी टेस्ट के हिसाब से। एक चम्मच ले लें, अगर आप थोड़ा तीखा ज्यादा खाते हो तो ज्यादा ले लें। फिर इसमें ऐड करूंगी मैं एक स्पून जैसा चिल्ली सॉस, फिर इसमें ऐड करूंगी मैं चिल्ली पाउडर हल्का सा, फिर इसमें जाएगा चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा सा, फिर इसमें जाएगा मिक्स हर्ब्स। अब ये बन गया हमारा पिज्जा सॉस। ये देखिए एकदम कोई पिज्जा सॉस लाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम झटपट घर में ही बन जाएगा। इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, फिर इसको मिक्स कर लूंगी। आटा तो वैसे भी मैंने गूंद ही लिया है, हमने डो बना लिया है, और वो भी डो मैंने मैदे का नहीं बनाया। घर में जो आटा गेहूं का खाते हैं, वीट है, वीट का आटा है। ये सॉस हमारा रेडी हो गया, पिज्जा सॉस रेडी हो गया। अब मैं थोड़ी सी भाजियां कट कर लूंगी, सब्जी। एक शिमला ले रही हूँ, इसको मैं कट करूंगी। पीसे में जिस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर पड़ती है इस तरीके से कट कर लेना डाइस में। ये मैंने शिमला काट लिया है, और इसके अंदर मैंने आधा शिमला और बढ़ा दिया है, और ये एक प्याज काट लेंगे, इसे चॉप कर लेंगे। ये देखिए प्याज कट चुका है और ये शिमला भी कट चुका है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा पकाते हैं हल्का सा। मैंने एक ये पैन चढ़ा दिया, और उसके अंदर मैंने एक टीस्पून तेल डाल दिया है, बिल्कुल हल्का सा मेरे को तेल लगेगा, ज़्यादा तेल नहीं लगना है खाली, क्योंकि इसको जो भाजियाँ हैं ये कच्ची नहीं रहे, क्योंकि पराठा पिज्ज़ा पराठा है, तो इसके लिए इसमें भाजी को थोड़ा सा अगर टॉस करके डालेंगे सॉफ्ट हो जाएंगी, तो थोड़ा उसमें अच्छे से पक जाएंगी पराठे के अंदर, क्योंकि भाजी के अंदर टेस्ट आ जाए। इसके लिए मैं इसके अंदर हल्का सा सीजनिंग करूंगी नमक से, थोड़ा ओरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि भाजी के अंदर भी टेस्ट रहे, जो वेजिटेबल्स आप डालेंगे उसके अंदर टेस्ट रहेगा, तो पराठा खाने में सब्जी फीकी फीकी नहीं लगेंगी। अब इसके अंदर ये जो प्याज कट किया था ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। गैस को स्लो कर दूंगी, इसमें भाजी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो अगर फास्ट रखूंगी तो सब जल जाएंगे, इसके लिए मैं गैस को थोड़ा स्लो रख रही हूँ। अभी देखिए सब्जियाँ है ना 2-3 मिनट तक पक गई हैं, तो ये सब सॉफ्ट हो गई हैं,
अब ये पिज्जे के अंदर अब आसानी से पक जाएंगी और कच्ची भी नहीं रहेंगी। इनको मैं साइड में निकाल देती हूँ। मैं इसमें आटा मैंने पहले से ही डो तैयार करके रख लिया है, और ये गेहूं का आटा है, मैदा मैदा नहीं है। डो तैयार करना पहले भी मैं कितनी बार बना चुकी हूँ और सभी को आता है वैसे तो गेहूं का आटा कैसे बनाते। अब मैं एक साइज के दो डो ले लूंगी पेड़े बनाने के लिए, कट कर लूंगी। इनको मैं पेड़ा बना लूंगी। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए, इनकी भी अब रोटियां बेलूंगी एक साइज के दो पेड़े। मैं इसको बेल लूंगी सूखा आटा लगा के, चपाती के जैसा बेलूंगी। हल्का हल्का सा आटा लगा लेंगे जिसमें चिपके नहीं, किनारे इसके चिपके नहीं। ये एक रोटी हो गई मेरी, अब मैं दूसरी रोटी बनाऊंगी इसी तरीके से। एक ही साइज की, इसी साइज की बनेगी, सेम साइज की बनाना है अपने को। अब ये देखिए ये भी रोटी सेम मिल गई है। इसको फोक से मैं इस तरीके से इसको यूं यूं फोक कर दूंगी, इसमें अच्छे से अंदर तक के इसकी सब्जी जो है वो पक जाए और अंदर से अच्छे से भाप निकले और ये फूले नहीं। फिर उसके बाद में ये जो मैंने सॉस बनाया था इसको मैं डालूंगी। अब ये जो सॉस था इसको मैं अच्छे से फैला दूंगी, पिज्जा सॉस जो मैंने बनाया है अभी। सब साइड में लग जाए, इधर इधर रह गया, इधर भी लग जाए, नहीं तो ये बाजू में टेस्ट नहीं आएगा, सादा सादा लगेगा। इसके लिए इसके सब साइड में अपने को सॉस फैला देना है। आप बच्चों को बना के दीजिए और कितना खुश होंगे वो लोग। बाजार से पिज्ज़ा मंगाने से अच्छा आप ये घर का पिज्ज़ा बना के दीजिए, एकदम हेल्दी, और गेहूं का भी, और उसमें वेजिटेबल्स भी जाएंगे और दूसरा मैदा भी नहीं रहेगा। अब उसमें जो वेजेस हैं वो मैं डाल दूंगी। ये देखिए अच्छे से फैला देंगे। मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वैगी हो जाएगा, इसके लिए मैंने टमाटोज को स्किप किया हुआ है, क्योंकि केचप टमाटो सब हो गया है ना, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है टमाटो डालना। सब साइड में वेजेस रखते हैं उसमें। अगर आपके बच्चे ये कैप्सी नहीं खाएं तो आप उसको और ज़्यादा चॉपर में डाल के चॉप कर डालिए ऑनियन को और कैप्सी को। और अगर ज़्यादा कुछ उसमें वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो गाजर है, ये सब है, इसको भी डाल दीजिए आप तो भी अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगैनो, फिर इसमें जाएगा अपना मेन पार्ट जो इसका है
बच्चों की फेवरेट चीज। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये चीज, चीज आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, कितनी डालना चाहते हो आपकी मर्जी, आप जैसा पसंद करते हो। देखिए एकदम पिज्जा लग रहा है। कैसा लग रहा है? एकदम पिज्जा जैसा। अब इसके अंदर जो ये मैंने रोटी को बेल के रखा था वो उसको मैं इस पे एकदम बराबर से कवर कर दूंगी, एकदम आराम से, एकदम इस तरीके से। ये देखिए पिज्जा रेडी हो गया, एकदम मजेदार और बढ़िया सा। अब इसको साइड साइड से आप इस तरीके से प्रेस कर दीजिए जिसमें ये खुल के अंदर से सामान गिरे नहीं। अब हल्का हल्का सा मैं इसके ऊपर पोक कर दूंगी ऐसे, ये जिसमें है ना कि ये फूले नहीं रोटी के जैसा, हवा निकल जाए इसके अंदर से। मैंने पैन चढ़ा दिया गैस पे, गरम हो रहा है। चलिए अब उसमें डालते हैं हम लोग। मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर और ये गरम भी हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल को है ना इस तरीके से ग्रीस करूंगी हल्का हल्का, फिर उसके बाद में फिर मैं ये पराठे को इस तरीके से डाल दूंगी और गैस एकदम स्लो कर दूंगी, पहले नीचे से पक जाए अच्छे से। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए हमको कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और हल्का हल्का सा इसके ऊपर तेल ऐसा रिफाइंड तेल इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो मस्का भी डाल सकते हैं इसके अंदर और टेस्ट बढ़ जाएगा बटर लगा के हल्का सा। अब ये देखिए इधर से आटे का जो ऊपर का जो पराठे का कलर है वो बदल चुका है और कच्चा नहीं है। और ये देखिए ये साइड से भी इस तरीके से थोड़ा पक गया है नीचे का जो बेस होता है। अब इसको मैं संभाल के एकदम आराम से पलट लूंगी, थोड़ा सा इसको चम्मच से सपोर्ट दूंगी और ये देखिए अब ये साइड से ये पकेगा और हल्का सा मैं तेल लगाऊंगी क्योंकि ये पिज्जा पराठा है नहीं तो सूखा सूखा रोटी बन जाएगा। पिज्जा पराठा तैयार है। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज ग्रेट करेंगे। एकदम मजेदार और बहुत ही टेस्टी। के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सॉस। और आप इसको मैं बताऊंगी आपको कट करके दूंगी। देखिए पिज्जे के जैसा ऐसे कट कर लीजिए, कितने बड़े आप पीस बनाना चाहते हो बना लीजिए। देखिए कितने मस्त एकदम चार इसके पीस हो गए और ये देखिए इसके अंदर की वेजेस भी कितनी अच्छी पक गई हैं, एकदम बहुत ही टेस्टी हो गया। ऊपर से चीज़ अंदर चीज़ सब मेल्ट हो गई एकदम चीज़। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह।